हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th सब्जेक्ट गणित और वर्कशीट नंबर 46 है जो कि 15th ऑफ दिसंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट आज का ये वर्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट आप सभी जो है ना मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम का जो है ना आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि वहाँ जितने भी आपका जो है ना CBSE के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होता है, साथ साथ में आपका जो है ना वर्कशीट के रिगार्डिंग अपडेट होता है, और जिनको PDF भी चाहिए, ठीक है, जो PDF आप डायरेक्ट जो है ना सोल्यूशन के साथ आंसर चाहिए तो वो भी आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, वो मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और साथ साथ डियर स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा वर्कशीट है ये बेहद ही आसान है, द्विघात समीकरण का हल यानी विधि यानी सेकेंड वर्कशीट जो कि द्विघात सूत्र पर आधारित है। तो देखिए द्विघात समीकरण मानक रूप इसका x² + bx + c होता है, ये हमें पता है, ABC वास्तविक संख्या होती है, राइट। उसका चर की संख्या केवल x होती है, कितना होती है, चर की संख्या x होती है, जबकि समीकरण का हल जो है ना द्विघात समीकरण मूलों की संख्या 2 होती है, आपको याद रखना है, जबकि इससे पहले वाले वर्कशीट में भी मैंने बताया समीकरण की घात चर x की उच्चतम घात 2 होती है। अब आपको यहाँ पे देखना है डियर स्टूडेंट जो ये द्विघात सवाल, ठीक है, द्विघात सूत्र क्या होता है, यानी द्विघात सूत्र तो आपको x² + bx + c जबकि bx² - 4ac जो ना बड़ा होगा या इक्वल टू होगा 0 के, तो इस द्विघात समीकरण के मूल हो है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा जो है ना -b + -√bx² - 4ac/2 ये द्विघात फार्मूला का सूत्र है, ठीक है, जो अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है ये देखिए सीधा सवाल यानी द्विघात समीकरण को x² - 4x + 2 के मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करना तो a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, b का वैल्यू 4 - 4 और c का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसीलिए b² - 4ac तो -4 का² - 4 × 1 × 2, तो इसका जो है ना जब b² - 4ac करेंगे तो इसका वैल्यू डियर स्टूडेंट 8 आ जाएगा, ठीक है, तो 8 आ जाएगा। तो इसमें जो है ना अब नेक्स्ट फार्मूला इसके मूल निकालने के लिए -b + -√bx² - 4ac/2 लिखेंगे, ठीक है, एक बार यहाँ लिख दिया एक बार यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो इसका वैल्यू 2√2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 - √2 हो जाएगा जब आगे सॉल्व करेंगे। तो परिवर्तनीय समीकरण क्या होता है, 1/(x-1) + 1/(x+2) = 3, तो इसका एलसीएम लेने पर एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है ना हल करने पर हमें जो है ना क्या होगा डियर स्टूडेंट द्विघात समीकरण का 3x² + x-7 = 0 प्राप्त होता है। तो आप आसानी से उपरोक्त समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका शब्द समस्या है यानी जो है ना वर्ड प्रॉब्लम आपको देखना है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना। तो माना कि पहली बड़ी संख्या क्या होता है, x होता है, छोटी संख्या क्या होता है, छोटी संख्या यानी x, तो x² = 8 बड़ी संख्या = 8x होता है। तो इसका जो है ना डेरिवेशन आप जब सॉल्व करेंगे तो सेम इसी फॉर्मूला से आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, देखिए दो संख्याओं का 18 और 12 हो जाएगा, और या तो 18 - 12 हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ देखना है जो ये जो हमारा डेरिवेशन, प्रयास कीजिए बहुत ही आसान से सवाल है, ठीक है। तो हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, b² - 4ac > 0 नहीं, less than यानी जो है ना 0 बड़ा होगा इस सब से नहीं, यानी ये b² - 4ac बड़ा होगा या = 0, तो ये हमारा सवाल गलत है। इस तरह से जो दिया हुआ है तो हमारा सही जो होगा वो मैंने बता दिया और ये गलत है। द्विघात समीकरण के सूत्र में जाना जाता है क्या, तो द्विघात समीकरण के सूत्र आप यहाँ से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये आपका द्विघात समीकरण का सूत्र है, ये देखिए -b + -√bx² - 4ac, ठीक है, (2)। तो ये द्विघात समीकरण का सूत्र है, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण के 3x² + √8x - 16 के लिए स्थिरांक c का मान, तो c का मान यहाँ पे -16 होगा, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, -16 होगा, राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन, ऊपर दिए गए परिवर्तनीय समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो इसका जो है ना आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए 5, 4, 5, 6, 7 एक एक करके हम सॉल्व करते आइए। तो देखिए हमारा जो ये ना 3x² + 1x - 7 है, ठीक है, तो इसका हमें करना है, तो a = 3, b = 1 और c = -7 है, तो b² - 4ac, तो 1² - 4 × 3 - 7, तो ये 1+84 हो जाएगा, = तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा, फिर इसका जब हम हल निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन में 2a होता है, राइट। इसके बाद डियर स्टूडेंट आगे हम देखेंगे तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है, तो इसका ये अंडर रूट 85 है तो माइनस बी प्लस माइनस 2 इंटू 3 तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 इंटू 3 तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए तो इसको दो बार लिखेंगे, एक बार तो प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, एक बार जो है ना माइनस वन प्लस अंडर रूट जो है ना, फिर लिखेंगे 85 अपन में 6 और माइनस माइनस अंडर रूट 85 अपन में 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ठीक है। द्विघात सूत्र यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 है का उपयोग करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 है तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि ये हो गया, b इक्वल टू माइनस 3 हो गया और c इक्वल टू माइनस 5 हो गया, राइट। अब देखिए इसको आगे आपको करना क्या है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो यानी कि यहाँ पे जो है ना वर्ग है स्क्वायर में है तो इसी लेकर के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 और माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40 और माइनस माइनस प्लस तो यानी 40, तो ये 49 ये कितना है, 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसके हल निकालना है, हल तो यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a होता है तो माइनस 3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपन में 2 इंटू 4 तो यानी 3 प्लस माइनस 49 का जो है ना वर्ग कितना होता है, 7 होता है, आप सभी को पता। तो यानी 3 प्लस माइनस 7 अपन में 4 होता है। इसको आप दो बार ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 जा और 2 5 जाते हैं यानी 5 अपन में 2 हो जाएगा और इसका माइनस 1 हो जाएगा। तो इसके जो हल है 5 अपन में 2 और माइनस 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे जो कि बेहद ही आसान सा है, ठीक है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसे जो है ना हमें हल करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो द्विघात समीकरण थे, x अपन में x माइनस 1 अपन में x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 अपन में x माइनस 2 इक्वल टू 11 अपन में 8 के मूल ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, x माइनस 1 अपन में x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 अपन में x माइनस 2 इक्वल टू 11 अपन में 8। तो इसको डियर स्टूडेंट आपको इस सब का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम एज इट इज रहेगा। तो इसमें जो है ना माइनस एक्स माइनस 1 है तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। और फिर प्लस में जो है ना इसमें आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम तो यहाँ हमने लिख रखा है तो यहाँ पे x माइनस 3 और x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 11 अपॉन में 8 हो जाएगा। अब इसका जब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये x कॉमन x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 को और माइनस 1 से x माइनस 2 को और प्लस x माइनस x प्लस 2 को करेंगे और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 को करेंगे। तो ये इधर भी लिख सकते हैं 11 अपॉन में 8, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना अब आगे कैलकुलेशन की तो इन दोनों से ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 अपन में x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 11 अपन में 8 लिख सकते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 32 इक्वल टू 11x स्क्वायर माइनस 44। अब इसके बाद 16x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 32 प्लस 44 तो 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12 हो जाएगा इसका, ठीक है, जब इसमें से ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो इसमें जो है ना a का वैल्यू हमारा 5 है, b का माइनस 32 है और c का 12 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फिर करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 और इंटू 12 तो ये देखिए 240 हो जाता है इसका और ये 32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा, ठीक है। तो 784 हो जाएगा जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसके हल होंगे तो कब होंगे, जैसे इसका हल जो है ना हल करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे अपन में 2 है तो इसके कितना हो जाएगा, 32 होता है प्लस माइनस अंडर रूट 784, ये 784 है आप याद रखेंगे इसे, ठीक है। अपन में 2 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो इस तो यहाँ 32 और इसका 28 का ये स्क्वायर होता है 784, राइट। तो 32 प्लस 28 कितना हो जाएगा और अपन में 10 तो इसका 60 अपन में 10 हो जाएगा। 32 में से 28 माइनस किए तो 4 अपन में 10 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये 0 से 0 यानी 6 हो गया एक और एक इसका मूल जो है ना हल कितना आया 4 अपन यानी 2 जा और 2 5 जा यानी 2 अपन में 5 आ गया, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यानी कि एक मोनिका, माना कि मोनिका की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, और उसके रुचि की वर्तमान आयु 2x वर्ष है, ठीक है। तो उसके बाद इसके बाद जो है ना इसके बाद यानी 4 वर्ष बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष बाद जो है ना मोनिका की आयु x प्लस 4 हो जाएगी, ठीक है, और रुचि की आयु यानी रुचिया की आयु जो है ना 2x प्लस 4 हो जाएगी, ठीक है, वर्ष।
तो प्रश्न के अनुसार कह सकते हैं x प्लस फोर हो जाएगा, 2x प्लस फोर इक्वल टू 160 हो जाएगा। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो x से 2x, ये 2x है, ये कितना 2x प्लस फोर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस ये 4 टू जा 8x हो जाएगा, प्लस 4 जा 16 इक्वल टू 160, ठीक है 160। तो इसमें आप जो है ना 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 माइनस 160, तो ये कितना हो जाएगा 144, तो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 144। इसके बाद आगे आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72। अब आगे आपको देखना है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू और c इक्वल टू माइनस 72 हो जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस 4 ac पे इसी तरह आपको पुटअप करना है, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 72, तो इसका जब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 324 अब बड़ा हो जाएगा 0 से बड़ा, ठीक है, तो 324 आएगा। अब इसको आगे आपको किस फॉर्मूले पे डालना है, या देखिए हल, इसका हल आपको देखना है, ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन में 2a होता है, जो कि अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, जिसको कहते हैं द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, इसे आपको याद रखना है, राइट। अब देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 324 हो जाएगा, यानी इसका जो, तो 324 किसका स्क्वायर होता है आप सभी को पता है, 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो एक बार माइनस में लिख दीजिए, एक बार प्लस में लिख दीजिए, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 ही होगा, तो एक बार माइनस में हमने लिख, यहाँ माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, माइनस में और एक बार प्लस में, तो इसमें 12 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो 2 6 12 होता है, ठीक है, और 2 से 12 तो माइनस 12, तो एक बार जो है ना हमारा इसका हल एक बार 6 आया और एक माइनस 12 आएगा। तो हम जानते हैं जो उम्र कभी माइनस में नहीं होता है, आप सब जानते हैं किसी भी व्यक्ति का माइनस में उम्र देखा आप सब ने, नहीं देखा है, तो एज कभी माइनस में नहीं होता, तो हम प्लस वाले को ले लेते हैं, चलिए देखते हैं हम। अब देखिए तो मोनिका की वर्तमान आयु कितना हो गई, 6 वर्ष, ठीक है, एक्स का वैल्यू एक्स बराबर 6 वर्ष हो गया, तो रुचिया की आयु कितना होगा, तो 2x, तो 2 × 6 तो ये 12 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि डियर स्टूडेंट आप सभी को जो है ना नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है, आप इसे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जस्ट आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।